लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा मनाया गया शब बरात एवं होली मिलन समारोह। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन थाना जीआरपी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर होली मिलन एवं शब बरात मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए और होली मिलन समारोह में एक दूसरे को रंग लगाकर हार्दिक शुभकामनाएं पेश की, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ उपस्थित हुए। पार्टी के उच्च अधिकारियों ने बताया कि देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत का बढ़ता हुआ जहर इंसान और इंसानियत के लिए दोनों खतरनाक हैं। हमको चाहिए कि सभी त्यौहार एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने चाहिए। शब बरात और होली मिलन के इस समारोह में डोमा पासवान, महिला मोर्चा महानगर अंजलि सैनी, प्रदेश महासचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह, सौरभ त्रिवेदी, राजू गौरीशंकर, अमर शिवम, इनके अलावा भी काफ़ी तादाद में लोग उपस्थित हुए और इस समारोह को कामयाब बनाया। मैं अनुज कुमार शर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी का जिला युवा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम? आज द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में हम लोगों ने होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम रखा गया, जो कि एक छोटा सा संदेश यह है कि हमने जो भी त्यौहार मनाया बड़े प्रेम और उसके साथ में मनाया गया, और साथ ही साथ जो कर्म एक हमारे समुदाय का सभ्य रात भी थी, वो भी बड़े मिल बाँट के हम लोगों ने त्यौहार मनाया और हिंदू मुस्लिम दोनों ने होली का लुत्फ उठाया। ये कौन सी जगह है? ये द्रौपदी इंटर कॉलेज भदौड़ा के अंदर है। मेरा नाम है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हमने यहाँ पे द्रौपदी इंटर कॉलेज भदौड़ा के अंदर शब रात और होली का मिलन समारोह रखा है और हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलजुल के बहुत खुशी का इजहार करा और पार्टी के लिए कुछ आगे चल के सोचने का लक्षण के लिए सोचा है। आने वाले समय में चुनाव आ रहा है, उसके लिए वार्ता हो रही है। जनशक्ति पार्टी का लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहिए? ये हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का जो ये कार्यक्रम हुआ, ये होली मिलन समारोह करा है हमने। सभी लोगों ने होली धूमधाम से मिलकर मनाई है और ऐसे ही त्यौहार मनाना चाहिए जैसा माबाद की जनता ने मनाया होली का त्यौहार। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ आपस में, ना किसी का झगड़ा हुआ है, और दोनों ही त्यौहार शब बरात और होली बहुत धूमधाम से मनाई गई। इसके लिए मैं मुरादाबाद की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसे ही आगे आगामी त्यौहारों को भी इसी खूबसूरती के साथ मनाएं।